अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस लेक्चर इज़ रिकॉर्डेड बाय सरहद एजुकेशन सिस्टम फॉर क्लास 10 साइंस। दिस इज़ योर केमिस्ट्री बुक। सो वी हैव स्टार्टेड यूनिट नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम इन द प्रीवियस लेक्चर। सो नाउ वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने रिवर्सिबल और फॉरवर्ड रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। सो लॉ ऑफ मास एक्शन, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसने प्रपोज किया था। बाय सी एम गर्लबर्ग एंटी वॉच इन 1864। सो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि द रेट और स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the product of the molar concentration, that is active masses of the reactants, each raised to the power of coefficient present in the balanced chemical equation. Means के कोई भी अगर chemical reaction है तो उस chemical reaction का जो rate और speed है तो वो किसके proportional होगा, वो उस reaction के मोलर कंसंट्रेशन, जो रिएक्टेंट्स होते हैं हमारे पास, तो उस रिएक्टेंट्स के जो मोलर कंसंट्रेशंस हैं, अगर हम उनका प्रोडक्ट लेंगे तो उनका प्रोडक्ट जो है वो उस केमिकल रिएक्शन के स्पीड के प्रोपोर्शनल होगा। सो आगे जब हम इसको डिराइव करेंगे तो तब आप लोगों को इस स्टेटमेंट की आसानी के साथ समझ आ जाएगी। सो यहाँ पर जो टर्म एक्टिव मासेस यूज हुए हैं, एक्टिव मासेस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं उनकी मोलर पर डेसीमीटर क्यूबिक कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए इनको एक्टिव मासेस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको जैसे पता है कि केमिकल रिएक्शन में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। तो किस तरह से लॉ ऑफ मास एक्शन इन पे अप्लाई होता है, हम इसकी डेरिवेशन में देखेंगे। लेट कंसिडर अ जनरल रिएक्शन, जो कि हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसमें हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं ए एंड बी, एंड प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं सी एंड डी। लेट सपोज ए एंड बी हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं एंड सी डी हमारे पास प्रोडक्ट है, तो एक्टिव मासेस इनका क्या होगा? एक्टिव मासेस और मोलर कंसंट्रेशन ए के लिए हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करेंगे, बी के भी हमारे पास बी स्क्वायर ब्रैकेट, सी स्क्वायर ब्रैकेट एंड डी स्क्वायर ब्रैकेट, ये हमें रिप्रेजेंट करता है मोलर कंसंट्रेशन को। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो रिएक्शन है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स में चेंज हो सकते हैं। तो जैसे कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसीलिए इसका जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन का वो रिवर्स रिएक्शन के इक्वल होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट होगा? आर एफ प्रोपोर्शनल टू ए बी। ए बी जैसे हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम रिएक्टेंट्स को यूज़ करेंगे। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा, आर एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू ए बी रिएक्टेंट्स। सो के एफ क्या है? वेयर के एफ इज़ द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो हमारे पास के एफ आ जाएगा, विच इज़ द रेट ऑफ कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, तो हम उसको के एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली फॉर द रिवर्स रिएक्शन आर आर प्रोपोर्शनल टू सी डी। रिवर्स रिएक्शन जैसे कि हमारे पास रिवर्स में प्रोडक्ट्स एज अ रिएक्टेंट यूज होते हैं, तो सी डी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो हमारे पास आर आर आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी साइन के बाद अगर हम इसको रिमूव कर देंगे तो हमारे पास के आर एज अ रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन आ जाएगा, एस जैसे हमने फॉरवर्ड रिएक्शन में किया था। सो इक्विलिब्रियम स्टेट में इसकी कंडीशन क्या होगी? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इसीलिए
जो आर एफ हमारे पास होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो यूज़ होता है इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं. तो एज वी नो दैट आर एफ, जैसे यहाँ हमने देखा है, इक्वल्स टू के एफ इंटू ए बी. आर एफ की जगह हमने ये पुट कर देना है एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की जगह हमने यहाँ पर जैसे हमने यूज़ किया है आर आर इक्वल्स टू के आर सी डी, हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं. तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, दिस इज इक्वेशन नंबर वन. सो नाउ रीअरेंजिंग इक्वेशन नंबर वन वी गेट के एफ, जो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कॉन्स्टेंट है, ए बी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन सी डी. अब इसको रीअरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी को जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स के, इक्वेशन के बोथ साइड्स पर, जैसे यहाँ आपको नज़र आ रहा है दोनों तरफ डिवाइड किया, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, के एफ इक्वल्स टू के आर इंटू सी टी बाई ए बी. अब इसी तरीके से हमने यहाँ से के आर को रिमूव करना है, सो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग के आर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द अबव इक्वेशन, दोनों इक्वेशन की दोनों साइड से हमने के आर को डिवाइड करना है. जैसे यहाँ आप देख सकते हैं हमने किया है, जो रेट कांस्टेंट है रिवर्स रिएक्शन का उसको दोनों साइड्स पे डिवाइड किया है, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ गई है, के आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट के एफ बाई के आर विच इज़ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाई रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू सी डी इंटू ए बी. हमारे पास एक रिवर्स रिएक्शन एंड फॉरवर्ड रिएक्शन का आ गया. सो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट में ये जो के एफ बाई के आर है वो के सी की इक्वल है, के सी इज़ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट. सो हेयर जैसे हमने ऊपर देखा है कि के एफ बाई के आर इसके इक्वल होता है सी डी एंड ए बी के, बट के एफ बाई के आर इज़ ऑल्सो इक्वल टू के सी, तो हम इसकी जगह के सी को भी पुट कर सकते हैं. सो के सी इक्वल्स टू सी डी बाई ए बी, वेयर के सी इज़ द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट. सो इट मीन्स के इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट जो है वो किसके इक्वल होता है, वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन रेशियो होता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इनटू रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन के प्रोडक्ट का. तो हमारे पास इक्वेशन नंबर टू कुछ इस तरह से आ जाएगी. सो इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन. सो केसी की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, लेकिन ये किसी भी रिएक्शन के प्रेशर, उसकी कंसंट्रेशन और उसके कैटलिस्ट पे इंडिपेंडेंट होती है. मतलब कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो के सी की वैल्यू इफ़ेक्ट करेगी, बट अगर प्रेशर किसी भी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन में प्रेशर कंसंट्रेशन या कैटलिस्ट ज़्यादा या कम हो तो के सी की वैल्यू उस पर के सी की वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो इट मीन्स के KC इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर कंसेंट्रेशन एंड कैटलिस्ट बट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर. यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन दिया हुआ है फॉर KC. ये जो आपको स्मॉल लेटर्स में A, B एंड C, D नज़र आ रहे हैं ये मोलर कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. A प्लस B रिवर्सिबल रिएक्शन है, C प्लस डी ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं. तो के सी की वैल्यू को हम किस तरह से लिखेंगे जनरल रिएक्शन में, हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा सी डी. ये जो हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन है वो कोफिशिएंट रेज टू पावर में चले जाएंगे, ए बी जो रिएक्टेंट्स हैं इनके मोलर कंसंट्रेशन पावर में चले गए हैं, और हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आई है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही है. इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझा सकती हूँ ऊपर वाली इक्वेशन को. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिवर्सिबल रिएक्शन एंड एच थ्री. तो ये जो साइड्स पे आपको नज़र आ रही हैं ये मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम इनको के सी में कैसे लिखेंगे, के सी इक्वल्स टू हमारे पास रिवर्स रिएक्शन में एन एच थ्री इंटू,
जैसे NH3 की है हमारे पास कितनी आ रही है, 2, तो हम ये जो 2 है वो कॉफिशेंट पावर पे चला जाएगा। इसी तरह से जो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है N2 एंड H2, ये इसी तरह रहेंगे। नाइट्रोजन के साथ उसके साइड पे कोई भी मोलर कंसंट्रेशन नहीं है तो हम यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। H2 के साथ 3 है तो 3 जो है वो हमारे पास पावर में चला जाएगा। इस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन को एक्सप्रेस किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप अपने इस लेक्चर को 2-3 टाइम्स रिपीट करें, डेरिवेशन की प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए। और आपकी बुक में जो भी साइट्स पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस गिवन होती हैं आप उनको नोट डाउन किया करें, वो आपके एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। थैंक यू।